गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 16, दैट इज लुक लर्न एंड एक्सपीरियंस। चैप्टर नंबर 16, लुक लर्न एंड एक्सपीरियंस। नाउ राइट, इन योर क्लासरूम एंड एट होम यू सी मैनी थिंग्स, सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर। तो स्टूडेंट्स, आप अपने क्लासरूम में या अपने घर में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो चीज़ें हैं ये किन चीज़ों से बनी होती हैं। सो हियर थिंग्स एंड व्हाट इज इट मेड ऑफ। सो फर्स्ट इज चेयर। तो आप अपने घर में देखते हो कि चेयर जो है वो वुड, प्लास्टिक, आयरन की बनी होती है। सेकेंड इज डोर। वॉट इज इट मेड ऑफ? डोर किसका बना होता है? वुड, प्लास्टिक, आयरन एंड सनमाइका। तो आपको यहाँ पर लिखना है। थर्ड चपाती, व्हीट फ्लोर, वाटर। स्पेक्टिकल्स, ग्लास, प्लास्टिक। बकेट, प्लास्टिक, आयरन। स्पून, स्टील। शूज, लेदर, थ्रेड, रबर, प्लास्टिक। बुक, पेपर, गम, कार्डबोर्ड। सो यू कैन ऐड योर ओन थिंग बाय विच दिस थिंग्स आर मेड ऑफ। ओके, नाउ द मैटर ऑफ विच द अबव मेंशन्ड थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। सो मैटर यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जिन चीज़ों से बनी होती हैं, जिस मैटर से बनी होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। नाउ इन सर्कल विच हैज़ वेट और मास। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो जिन ऑब्जेक्ट्स का वेट ज़्यादा है उन पे आपको सर्कल करना है। वाटर, ब्रिक, केरोसिन, बैग, स्मोक, आइस, मैन, एयर, मिल्क, क्लोथ, व्हीट, स्टोन, पेपर, पेन, आयरन, प्लास्टिक, विंड एंड वुड। सो सर्कल फर्स्ट वाटर, ब्रिक, बैग, आइस, मैन, मिल्क, व्हीट, स्टोन, आयरन एंड वुड। ओके, नाउ हियर इज एन एक्टिविटी। Collect things like leaf, nail, water, eraser, chalk. So students, आपको कुछ चीज़ों को collect करना है, जैसे पत्ता, nail, water, eraser और chalk. तो आपको क्या करना है? Use a pencil to draw and outline them. Draw the figures of various things. तो आपको क्या करना है? आपने जो things कलेक्ट किए हैं उनको आपको रखना है और उसकी एक आउटलाइन बनानी है। तो इसी तरह से आपको दूसरी चीज़ें जो आपने कलेक्ट की हैं, आपको उनके फिगर्स बनाने हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दिस बुक वी आर हैविंग द फिगर ऑफ लीफ। नाउ इट इज़ ट्रू, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर। सारी चीज़ें किसी न किसी मैटर की बनी होती हैं। एवरीथिंग हैज़ वेट और मास। हर एक चीज़ का वेट और मास होता है। एवरीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस। हर चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर हैज़ वेट और एयर का वेट भी होता है। Now again here is an activity. Take 3 transparent glasses and 3 transparent bowls. तो आपको क्या करना है?
आपको यहाँ पर 3 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लेने हैं और 3 ट्रांसपेरेंट बाउल्स लेने हैं। फील वाटर स्टोन्स एंड स्मोक इन देम एंड ऑब्जर्व। तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास में पानी भरना है, दूसरे में आपने स्टोन लिया और तीसरे में आपने स्मोक लिया। स्मोक मीन्स धुआं। अब आप देख सकते हैं कि स्मोक लेने के लिए आपको ग्लास को उल्टा रखना है। आपने ग्लास को सीधा रखा तो स्मोक ऊपर की तरफ चला जाएगा। सेम थिंग आपको बाउल के साथ भी करनी है। नाउ पुट राइट फॉर द सब्सटेंस विच टेक्स शेप ऑफ इट्स कंटेनर एंड रॉन्ग फॉर द वन दैट डज नॉट चेंज इट्स शेप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उन सब्सटेंस को टिक करना है जो पर्टिकुलर कंटेनर का शेप ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ग्लास में पानी डाला तो पानी ने ग्लास का शेप ले लिया है, और यहाँ पर हमने पत्थर डाला तो पत्थर ने ग्लास का शेप नहीं लिया है। तो इसी तरीके से आपको करना है। सो हियर सब्सटेंस टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर डजेंट चेंज शेप। सब्सटेंस इन ग्लास कप इन ग्लास बाउल इन ग्लास कप इन ग्लास बाउल वाटर टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर स्टोन डजेंट चेंज शेप एंड स्मोक टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। सो टेक हियर। सो जो स्टोन जो है वो शेप चेंज नहीं कर रहा है। नाउ रीड एंड राइट इन द टेबल्स नेम्स ऑफ सम सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंस आर रिटन यू राइट फ्यू मोर नेम्स। तो स्टूडेंट्स ये जो टेबल है उसमें आपको कुछ सॉलिड लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको उसमें कुछ और नेम्स ऐड करने हैं। लाइक वाटर द सब्सटेंस विच चेंजेस शेप व्हेन पुट फ्रॉम वन टू अदर कंटेनर बट देयर इज नो चेंज इन द स्पेस इट ऑक्यूपाइज सच सब्सटेंस आर कॉल्ड लिक्विड सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको आप एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में चेंज करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो जो अपना शेप है वो चेंज कर रहा है, बट देयर इज नो चेंज इन द स्पेस इट ऑक्यूपाइज। लेकिन वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड सब्सटेंस। हियर मिल्क बटर मिल्क केरोसिन जूस सिरप वाटर पेट्रोल ऑयल डीजल ब्लड करी दूध पाक। सो दीज आर लिक्विड सब्सटेंस। नाउ सब्सटेंस लाइक स्टोन विच डू नॉट चेंज देयर शेप और वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड सब्सटेंस। तो सॉलिड सब्सटेंस किसको बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस जैसे कि स्टोन है वो जो है अपना शेप और अपना वॉल्यूम वो चेंज नहीं करता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। अगर हम उसको किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो भी उसका शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं, सॉलिड सब्सटेंस। सो हियर इरेजर स्केल शार्पनर बॉटल स्टोन बॉल नोटबुक नेल हैमर चॉक डस्टर एंड पेंसिल। सो दीज आर सॉलिड सब्सटेंस। Now, substance like smoke when transferred from one container to the other changes its shape and also the space it occupies are called gaseous substance. Gaseous substance क्या होता है, जैसे smoke है या फिर air है
जो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हम उसको शिफ्ट करते हैं, तो वो जो है अपना शेप भी चेंज करते हैं और जो स्पेस वो जो ऑक्यूपाई करता है वो भी चेंज करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम गैसेस सब्सटेंस कहते हैं। हेयर स्टीम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉग, इंसेंस स्मोक, एक्सहेलिंग एयर, नेचुरल गैस, हीलियम गैस एंड एयर। सो दीज आर द गैसेस सब्सटेंस। नाउ राइट, सो हियर सम नेम्स आर गिवन लाइक सॉल्ट, लेदर, मिल्क, चारकोल, एयर, डीजल, बटर मिल्क, स्टीम, वुड, फैक्ट्री स्मोक, ऑक्सीजन एंड केरोसिन। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से बायफोगट करना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें सॉलिड हैं, कौन सी लिक्विड हैं और कौन सी गैसेस हैं। सो सॉल्ट, लेदर, चारकोल एंड वुड, सो दीज आर सॉलिड। मिल्क, डीजल, बटर मिल्क एंड केरोसिन, सो दीज आर लिक्विड। एयर, स्टीम, फैक्ट्री स्मोक, ऑक्सीजन, सो दीज आर गैसेस। नाउ राइट डिस्कशन। नाउ अगेन यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। नेम ऑफ वेरियस थिंग्स, सब्सटेंस मेड ऑफ वॉट, वॉट इज द नेचुरल रिसोर्स। सो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे फर्स्ट पैंट्स, आपको ये बताना है कि मेड ऑफ वॉट, जैसे ये पैंट है ये किस चीज़ से बनी हुई है, क्लोथ और कॉटन, और इसके नेचुरल रिसोर्स क्या हैं, मीन्स ये आपको कहाँ से मिलती है, प्लांट से। तो हमें प्लांट से कॉटन मिलता है और कॉटन से हम पैंट बनाते हैं। सेम वे टेबल, वुड, आयरन, प्लांट एंड लैंड। बेल्ट मेड ऑफ व्हाट, लेदर एंड नेचुरल रिसोर्स एनिमल। घी, मिल्क, काउ बफेलो एंड नेचुरल रिसोर्स एनिमल्स। पेट्रोल मेड ऑफ व्हाट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्स लैंड। ब्रिक मड एंड नेचुरल रिसोर्स लैंड। वाटर वेल, पॉन्ड, रिवर एंड नेचुरल रिसोर्स रेन। पेपर प्लांट, नेचुरल रिसोर्स प्लांट। चारकोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्स लैंड। नाउ रीड, वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। तो आपने देखा होगा कि हमें ऑलमोस्ट चीज़ें जो मिलती हैं ये हमें हमारे एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं। इफ़ वी डू नॉट गेट ऑल दिस थिंग्स देन वी वुड हैव टू फेस मैनी ट्रबल्स। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे एनवायरनमेंट को सेव करना है। वी मस्ट यूज दिस नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशसली। तो हमें बहुत ही सोच समझ के नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए। नाउ राइट, सो स्टूडेंट्स सम थिंग्स एंड सम सब्सटेंस नेम इज गिवन एंड यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम विच नेचुरल रिसोर्स दे आर ऑब्टेंड। सो फर्स्ट मिल्क, नेचुरल रिसोर्स एनिमल्स। आयरन लैंड, राइस लैंड, वाटर रेन, क्लोथ नेचुरल रिसोर्स प्लांट्स, ऑक्सीजन एयर, पेट्रोल पेट्रोलियम एंड लैंड, स्टीम सन। नाउ रीड, आयरन राइस एंड क्लोथ एक्सेट्रा आर सॉलिड सब्सटेंस। मिल्क वाटर पेट्रोल एक्सेट्रा आर लिक्विड सब्सटेंस। स्टीम ऑक्सीजन स्मोक एक्सेट्रा आर गैसेस सब्सटेंस। स्टूडेंट्स हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 16 दैट इज लुक, लर्न एंड एक्सपीरियंस। थैंक यू।